नमस्कार जय गुरुदेव। प्रवीण मंत्र विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना में वह मुख्य तीन साधनाएं कौन सी है जिसको हमें अप्सरा साधना से पूर्व कर लेना चाहिए ताकि सफलता का जो हमारा अनुपात है वो बढ़ जाए। क्या होता है कि साधक जैसे ही अप्सरा के बारे में सुनता है या अप्सरा के बारे में यह जानता है कि इसको प्रकट किया जा सकता है, इनके साथ विचरण किया जा सकता है, इनसे मिला जा सकता है, तो एक अंदर से एक अलग ही एक उत्साह पैदा होता है। मतलब कह सकते हैं वह उत्साह इतना आनंद में होता है कि हम एक नारी तत्व से नहीं जुड़ा होता है, वो ऐसा जुड़ा होता है कि हम किसी परलोक के निवासी से मिलने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगता है और साधक को जोश आता है और उस जोश में साधना करने बैठ जाता है। हालांकि इन साधनाओं से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब साधक असफल हो जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और उसकी इच्छा होती है बाद में कि ये साधना है तो सब बेकार होती है, इनको करने से कोई मतलब नहीं, ऐसे उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो अप्सरा साधना को सफल करने के लिए कुछ एक ऐसे दो तीन साधना है जो पहले करने से उसकी सफलता का अनुपात जो होता है वो बढ़ जाता है। YouTube पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि 3 दिन में साधना सफल हो जाएगी, 24 घंटे में हो जाएगी। हमने भी खुद हमारे वीडियो में ये चीजें बताई, लेकिन ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो पहले से कुछ ना कुछ सिद्धियां कर चुके हैं। अब डायरेक्ट आप साधना करने चलेंगे और ग्रस्त भी है, आपका जीवन पहले से अस्त व्यस्त कार्यों में बिजी है, आप बहुत सारे सामाजिक बंधन से जुड़े हुए हैं, तो मेंटली रूप से आप कभी भी प्रिपेयर नहीं होते हैं। यानी कि साधना जो करते हैं उसमें आपका दिमाग जो है एकाग्र नहीं होता है, आप डायरेक्ट साधना करने बैठ जाते हैं, मंत्र जप करते हैं तो बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम तीन ऐसी साधना बता रहे हैं जो सिद्धि करने से पहले आपको ये कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट मिलती है। हम आपको यहाँ पर त्राटक संबंधित, साधना संबंधित और अध्यात्म से जुड़ी बातों को बताते हैं और इस धार्मिक प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग अवश्य करें। तो चलिए, सबसे पहली चीज होती है अप्सरा साधना से करने से पूर्व हमको गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। आप जो भी साधना करना चाहते हैं उसके लिए पूर्व में आप एक अनुष्ठान बना लो कि मैं गुरु मंत्र का 1,25,000 जप करूंगा, ये 51,000 करूंगा। तो पहले अपना गुरु मंत्र तगड़ा करो, अपना विल पावर बढ़ाओ कह सकते हैं, ये तपोबल इसको बोलते हैं अध्यात्म में। तपोबल आपका मजबूत रहेगा तो साधना में आपको आसानी होगी और साधना जल्द से जल्द सफल भी हो जाएगी। दूसरा जो होता है, गुरु दीक्षा लेने के बाद में आपने गुरु मंत्र सफल कर लिया है, उसके बाद में तंत्र जागरण और साबर सिद्धि। अगर साबर मंत्र करना चाहते हैं तो साबर सिद्धि को कर लो, तंत्रोक्त मंत्र जप करना चाहते हैं तो तंत्र जागरण कर लो, और अगर दोनों ही कर लोगे तो कोई भी बुराई नहीं है, दोनों भी कर सकते हैं हम, दोनों में से कोई सा भी आप इसको चुनाव कर लो, या दोनों ही करना तो दोनों भी कर लो, ये आपका तपोबल बढ़ाएगा। तपोबल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप तमाम जो हमारे अन्य वीडियो है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो तपोबल जब बढ़ेगा तो साधना में सफलता का जो है मतलब बहुत जल्दी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दूसरा चीज जो हमने बताया आपको, तंत्र जागरण या साबर सिद्धि। साबर सिद्धि क्यों की जाती है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। साबर सिद्धि करने से ये होता है कि जो मंत्र में त्रुटियां होती है, बोलने में हम लोग बोलते बोलते कुछ अटक जाते हैं या भूल जाते हैं, शब्दों को सही से नहीं उच्चारण कर पाते, तो उसकी पूर्ति साबर सिद्धि मंत्र कर देता है। और तंत्र जागरण में क्या होता है, हमारा जो तंत्र होता है उसको जागृत कर लेते हैं, हमारी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तो उससे तंत्रोक्त मंत्र जागृत जब हो जाएगा तो जब तंत्र मंत्र का हम जब मंत्र जब करेंगे तंत्र वाला, तो तंत्रोक्त मंत्र की शक्ति हम पर हावी नहीं हो पाएगी और हमें उसकी जो सफलता का जो है संभावना उसको बढ़ा देगी, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज की पावर है। अब बात करते हैं तीसरे लास्ट चरण की। यह चरण भी बहुत अप्सरा साधना में महत्वपूर्ण हो जाता है।
और अक्सर साधक इसी चीज को नहीं करते हैं। यह चरण है इंद्रदेव की साधना। हम सब जानते हैं कि भगवान इंद्र के दरबार में रहने वाली अप्सराएं होती हैं, तो अगर उन्हीं देवता को प्रसन्न कर लिया जाए जिनके सानिध्य में ये रहती है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसका सफलता का दायरा कितना ज्यादा पड़ जाएगा। कारण उसका है कि जिनसे अनुमति लेके उनको आपसे मिलने आना पड़ता है, उनकी अनुमति आप स्वयं अपनी तरफ से दिलवा देंगे तो सफलता तो मिलना तय ही हो जाती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंद्र साधना मात्र 3 दिवसीय है। इंद्र साधना करके आप अपने मंत्रों को जागृत कर लो और इंद्र देव से अनुमति ले लो कि हे मैं देवता, मैं इस अप्सरा का साधना करना चाहता हूँ, इनको आप हमारे सामने प्रत्यक्ष होने के लिए अनुमति दें और हमारी सफलता में हमारा सहयोग करें। इस प्रकार से रोज प्रार्थना भी करो, साधना भी संपन्न करो। ऐसा करने से आपका ये जो तीनों मंत्र जो जप करेंगे, तीनों प्रकार की साधना कर लेंगे, तो आपकी सफलताएं निश्चित मिलेगी। और अन्य जो सफलता के सूत्र है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, उनको भी देखिए, आप पूरा प्लेलिस्ट देखें, उसके बाद अक्सरा साधना करें, आपको बड़ा आनंद आएगा और जल्द से जल्द सफल भी होगी। हमेशा मन में एक बात का ख्याल रखें, ये साधनाएं कभी भी असफल नहीं होती, ये सिद्ध अवश्य होती है और होकर रहती है, बस मन में आपके ठान लेना। चलिए आज के लिए इतना है। सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया हुआ है, आप उनमें जाकर देखें, इसका विवरण पढ़े। हमारे वेबसाइट जाकर आप इनकी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव, ओम नमस्कार। Garuda Dhvaja।